हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज के वीडियो में होने वाला है मक्खनी और लस्सी का कंपटीशन, जिसमें जो जल्दी पिएगा और पहले पिएगा वही आज का विनर होगा। और इस कंपटीशन के एंड में मैंने इसकी मक्खनी और लस्सी की वीडियो बनाने की विधि भी दी हुई है, आपको बनानी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कॉम्पिटिशन। 1 2 3 स्टार्ट। जो पहले पिएगा आराम से पिएगा, गले में ना अटक जाए तो पहले पिएगा वो होगा आज का विनर। तो लस्सी ठंडी भी है कुछ, वैसे मैंने ज्यादा ठंडी नहीं की है और कुछ ठंडी है। तो देखिए आज का विनर है भरत। पिछले गेम में विनर था लक्ष्य, तो आज भरत जीत चुका है। तो कैसे लगी आपको हमारी आज का चैलेंज वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हारता है उसके लिए क्या पनिशमेंट है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मक्खनी लस्सी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रात को लगभग 1 लीटर दूध है जो अच्छे से बिल्कुल मीडियम आंच पर उबालकर, अच्छे से उबालकर मैंने इसको जमाया था, जिससे आप देख सकते हैं इस पे मलाई है जो बहुत ही अच्छी आई है और मोटी मलाई आई है। अगर हम बिल्कुल कम आंच पे दूध को गर्म कर तैयार करते हैं तो इस पे मलाई बहुत ही मोटी आती है। तो अब हम इसकी पहले जो मलाई है वो निकालेंगे, क्योंकि हम मलाई है जो मक्खनी लस्सी के ऊपर डालेंगे, इसलिए हम इसकी जो भी मलाई है वो निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मलाई है तो कितनी मोटी आई हुई है इस पे। तो ये मलाई हम पहले एक बर्तन में अलग निकालेंगे। तो इस तरह से ये पूरी मलाई हम निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने डेकोरेशन के लिए कुछ मलाई यहाँ पे निकाल ली है और कुछ मलाई मैंने इसके अंदर ही रहने दी है, जिससे इसका टेस्ट है जो अच्छा आएगा। तो दही मैंने काफी, जैसे 1 लीटर बनाया था, इसमें से मैं कुछ लस्सी बना रही हूँ, कुछ मैं खाने के साथ यूज करूंगी। तो आप अपने हिसाब से जितनी गिलास आपको मक्खनी लस्सी बनानी हो उस हिसाब से आप दही ले सकते हैं। तो इसमें मैं 4 गिलास है जो मक्खनी लस्सी बनाकर तैयार करने वाली हूँ। तो मक्खनी लस्सी के लिए मैंने यहाँ पे जग लिया है और इस जग में मैं इसमें दही निकाल लूंगी और दही हम इसी के अंदर फेंटेंगे अच्छे से। और दही फेंटने के लिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर लिया है। इससे हम अगर दही फेंटते हैं तो एकदम हमारा दही है जो क्रीमी दही बनकर तैयार होता है। तो इससे मैं जो दही को फेंट लूंगी। तो देखिए दही जैसे 1 लीटर का था तो मैंने इसमें आधे दही से थोड़ा ज्यादा दही ले लिया है और अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो दही को हमने जब तक फेंटा है जब तक इस पे हल्का मक्खन आना शुरू हो चुका है, देख सकते हैं आप इस पे हल्का मक्खन आने लगा है। तो अब हमने इसको फेंट लिया है और अब मैं इसमें लगभग 250 ग्राम पानी डाल रही हूँ।
आप चाहें तो बिना पानी से बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें जैसे आपने 500 ग्राम दही लिया है तो आप 500 ग्राम इसमें पानी मिला सकते हैं। तो उससे क्या थोड़ी लस्सी है जो पतली होगी और टेस्ट में बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैंने जैसे 1 गिलास के हिसाब से 2 चम्मच चीनी ली है, खाने का चम्मच होता है वो। तो इसको भी हम अच्छे से अभी इसके अंदर मिलाएंगे। दही और पानी दोनों ही ठंडा था तो शायद थोड़ी मुश्किल होगी, तो अब हम इसको फेंट लेते हैं। तो देखिए मक्खियाँ लस्सी हमारी बनकर हो चुकी तैयार, तो अब हम इसको सर्व कर देते हैं। और इधर मैंने मलाई को थोड़ा फेंट लिया है तो एकदम ये क्रीमी सी बन गई है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको इससे गार्निश करेंगे। हम इसमें 2-2 चम्मच डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने 2-2 चम्मच इसमें मलाई डाल दी है, और अब हम थोड़ा इसको बादाम से गार्निश करेंगे इस तरह से। और इधर मैंने कुछ कलियां केसर की ली हैं जिसको मैंने पानी में भिगोया है, और मैंने इसको अभी भिगोया है तो इसका इतना कलर नहीं आया है। तो इसकी कुछ पत्तियां हम इस पे गार्निश करेंगे पत्तियों से। कलियां हैं जो इस पे लगा रही हूं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी माखनी लस्सी बनकर हो चुकी है तैयार। तो कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।